और बिहार के वैशाली के हादसे से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, वैशाली में जहरीली गैस लीक हादसे में एक शख्स की मौत की बात सामने आ रही है। डेयरी प्लांट में अमोनिया गैस पाइप फट गया था, जिसके चलते हादसा हुआ। एक मजदूर की मौत हो गई, 100 की तबीयत खराब बताई जा रही है। कई लोगों को पटना भी भर्ती करना पड़ा है, यानी कि वहां पर हाजीपुर के अस्पताल में जब इलाज नहीं हुआ तो पटना रेफर करना पड़ा। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अनुराग, अभी जो स्थिति है वो लगभग 100 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं इससे। जो 5 किलोमीटर का दायरा है जिस जगह ये घटना हुई है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वैशाली के हाजीपुर में, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग थे, तमाम लोगों को दिक्कतें आई सांस लेने में, आंख में जलन, ये समस्याएं आई थी, जो कि आसपास के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर उन लोगों ने इलाज कराया है। एक शख्स की मौत इसमें हुई है, जो मजदूर बताया जा रहा है, जो उसी प्लांट में काम करता था। ये राज फ्रेश जो डेयरी है उसके प्लांट में ये गैस लीकेज हुआ है, जो अमोनिया गैस का लीक हुआ है। प्रशासन लगातार वहां पर काम कर रहा है, किस तरह से लोगों को राहत बचाव दिया जा सके उसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है। और ये भी जांच हो रही है कि आखिर क्यों प्लांट से ये गैस लीक हुआ, क्या कुछ दिक्कतें थी, इसकी भी जांच प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि लगभग 100 लोगों के आसपास इस गैस लीक के कारण प्रभावित लोग जो है उनका इलाज चल रहा है। एक शख्स की मौत हुई है, और जहां से ये लीकेज हो रहा था जिस प्लांट से, वहां पर जो स्थिति है उसमें सुधार कर ली गई है, ठीक कर लिया गया है वहां पर, जो राज फ्रेश का डेयरी का जो प्लांट है वहां पर। तो फिलहाल प्रशासन वहां पर मौजूद है और चीजों पर नजर बनाए हुई है। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।